नमस्ते मॉमीज एंड डैडीज, मेरा नाम है आंचल। वेलकम टू मॉम टेल्स। इस चैनल में हम बात करते हैं बेबी केयर, मदरहुड, लाइफस्टाइल और बहुत सारी मॉमी टॉक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एवरीवन, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हर एक न्यू मॉम रिलेट कर सकती है। जब आप माँ बनते हो तो कई बार आप गिल्ट में चले जाते हो, खुद को डाउट करने लग जाते हो, क्योंकि सोसाइटी आपसे बहुत तरह की बातें कहती है। अगर आपका बच्चा वीक है तो सोसाइटी कहेगी आप अपने बच्चे को खाना नहीं खिलाते हो, कितना कमज़ोर हो गया है। अगर बच्चा बहुत हेल्दी हो गया है तो भी सोसाइटी कहती है बच्चा कितना ज़्यादा मोटा हो गया है, कितना खिलाते हो। तो ये सारी चीज़ें एक माँ को बहुत हर्ट करती हैं और वो कहीं ना कहीं गिल्ट में चली जाती है और खुद को डाउट करने लग जाती है। और आपके मॉम गिल्ट और सेल्फ डाउट की फीलिंग को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके मेटर्नल वेलबींग के लिए। तो मैं आज आपके साथ कुछ इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज शेयर करूँगी जो आप अपनी लाइफ में अपना सकते हो ताकि आप इन चीज़ों से निकल सको, जिसमें सबसे पहला है प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। खुद को ये बार बार रिमाइंड कराइए इट्स नॉर्मल टू हैव सम डाउट्स एंड इनसिक्योरिटीज़ एज अ न्यू मदर। आप अभी नई नई माँ बनी हैं, सब कुछ आपको कैसे पता होगा। खुद को थोड़ा सा टाइम दें, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें अपने और अपने बच्चे के बीच में, और खुद पे भरोसा करें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया कि इट्स ओके टू बी इम्परफेक्ट, आप परफेक्ट नहीं हो, आप परफेक्ट कैसे हो सकते हो, आप गलतियाँ करोगे, आप उससे सीखोगे, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। नेक्स्ट है चैलेंज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आपको खुद में ये सोचना है कि परफेक्शन पॉसिबल नहीं है, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा एडजस्ट करना है और परफेक्शन की बजाय आपको प्रोग्रेस में फोकस करना है कि आप आगे और बेटर क्या कर सकते हो। नेक्स्ट है सीक सपोर्ट। ऐसे टाइम में आपकी मदर्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, हर कोई आपके साथ होगा। आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, वो डेफिनेटली इस चीज़ को समझेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे, जिससे आप सेल्फ डाउट वाली स्टेज से बाहर आएंगे। नेक्स्ट है लिमिट कंपैरिजन। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो आपको अपनानी है। आपको खुद को और मदर्स से कंपेयर नहीं करना जो सोशल मीडिया पे हैं, जो आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं। हर माँ यूनिक है, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ उनके लिए वर्क करी वो आपके लिए भी वर्क करे। सो आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव होना पड़ेगा। आप अलग हो, वो अलग है, इस चीज़ को ज़रूर समझें। फोकस ऑन योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वैल्यूज़, वही आपके काम आएगा। नेक्स्ट है सेलिब्रेट सक्सेसेस। कोई भी छोटी बड़ी अचीवमेंट जो आपने करी हो एज अ न्यू मदर और आपको बड़ी खुशी हुई हो, डेफिनेटली उसे सेलिब्रेट करें, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। आपने उस चीज़ के लिए मेहनत करी है, अपने बच्चे की हर एक दिन केयर करी है, तो आपके लिए हर एक अचीवमेंट बहुत स्पेशल होनी चाहिए। नेक्स्ट है लिव इन द प्रेजेंट। हमेशा आपको आज में जीना है। पुरानी जो आपसे गलतियाँ हुई उनके बारे में सोच सोच कर आपको अपना आज और आने वाला कल खराब नहीं करना। आप अगर ये सोचो कल मुझसे ये गलती हो गई थी, बच्चे को मैंने ऐसे फीड नहीं कराया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, इन सारी बातों को आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। जो आपसे गलतियाँ हुई उनसे आपको सीखना है और बेटर होना है। इन सारे नेगेटिव थॉट्स को आप थोड़ा सा सेटल करने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड लास्ट है सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ नीडेड। अगर आपकी गिल्ट और सेल्फ डाउट वाली फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और इस चीज़ से अगर आपकी डेली लाइफ अफेक्ट हो रही है, तो डेफिनेटली आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, यूज़फुल रहा होगा। सी, हर माँ अलग है, हर माँ से गलतियाँ होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए खुद को डाउट बिल्कुल भी मत कीजिए। अपने बच्चे की केयर करने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि उससे बेहतर और उससे ब्यूटीफुल कुछ भी नहीं। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, डेफिनेटली सबके साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर हिट करें ताकि आप कोई भी फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिस ना कर पाएं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी पेरेंटिंग। बाय बाय।